साहिब शाजिया, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं के साथ हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर वाफिस हैं। तो भाई, आज का ब्लॉग तो यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप फेस रिवील करें, फेस रिवील। तो मेरी बहुत सारी वीडियो पर मेरे फेस रिवील हुए हुए हैं, बहुत सारी मेरी वीडियोज़ ऐसी जिस पर मैं खुद आई हुई हूँ सामने। तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो जाके प्लीज़ जल्दी से देख लीजिए, और मेरे चैनल पर अगर कोई न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार आप लोग फुल देखा करें क्योंकि आप सबको बताएं बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट प्यारा सा कर दें, रोमांटिक सा कर दें, मेरे लिए चलेगा यार, मुझे बहुत पसंद है रोमांटिक कमेंट भी, मेरे लिए बहुत चलेंगे। तो जस्ट जल्दी से अच्छे से मतलब कमेंट कर दीजिए, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो बहुत ज़रूरी होता है यार। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है आज, बहुत मज़ेदार चीज़ें मैंने बनाई थी जो रिकॉर्ड भी की आप लोगों, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है मेरा ये टॉपिक, क्योंकि एक डिफरेंट आप लोगों को मिली चीज़ तो वो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसके तहे दिल से शुक्रिया। तो विदाउट अ डिले आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक सी डिज़र्ट की रेसिपी जिसे मैंने बनाया है। सिंपल, आपने कस्टर्ड लेना है, कस्टर्ड जिस तरह हम लोग पकाते हैं वैसे ही पकाना है। आप चाहें तो इसके अंदर ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है आप इसे मैशमैलोस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसके फिर थोड़ा ज़्यादा मीठा लगता है तो मैंने वो ऐड नहीं किया। मैंने जस्ट दो अंडे की सफ़ेदी ली, उसे बीट किया और उसे स्पून की मदद से वो उबलते हुए कस्टर्ड के अंदर इस तरह से डालती रही ताकि जबकि सब जब अच्छे से पक गया, मैंने ढक के हल्की आँच पर को पकाया 15 मिनट्स के लिए, और ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और जब आप इसे बॉल में निकालेंगे तो पहले आप जिसके ये जो बॉल्स हैं इनको निकाल के अपने बॉल में रखिएगा, बाद में आप कस्टर्ड पूरा का पूरा पोर कर दीजिएगा और ये आपका मज़ेदार सा डिज़र्ट बहुत ही डिफरेंट बन के रेडी होगा। ये बहुत मज़े का बनता है, किसी ने ट्राई तो किया भी होगा क्योंकि बहुत कॉमन कस्टर्ड है, बहुत कॉमन मतलब डिज़र्ट है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े शौक से खाया जाता है इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ। अब आप लोग मेरी फैमिली हो ना तो बनता तो है ना इतना आप लोगों के साथ, क्योंकि जब मुझे इतने सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तो यार उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अब तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से थोड़ा सा हाथों को तकलीफ दे दो यार, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है ना, और जल्दी से हसीन और जुलजला वाला कमेंट कर दो, मुझे आप लोग कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारा सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से मेरे से तो अपना सपोर्ट भी दिखाएगा, मुझे आपके कमेंट के आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैंने इसे डिज़र्ट को रख दिया था अच्छे से चिल्ड होकर, ये बहुत ठंडा होकर फिर खाने का इसका मज़ा है, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तकरीबन कोई 3-4 घंटे। उसके बाद अब मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ और आप ये देख सकते हैं, ओह मैं पानी आ रहा दुआ से, बहुत मज़े का, इतना लाइट इतना फ्लफ़ी ये वाला डिज़र्ट है। आप इसको एक बार ट्राई करें, आप लोग ख़ुद मुझे बोलेंगे वाकई में शायद आपने बहुत अच्छी रेसिपी दी। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसे प्रॉपर आपको बनाना सिखाऊं तो प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ इसकी फुल रेसिपी अच्छे से फुल वाली शेयर करूँ कि आपने किस किस तरह से इसको बनाना है। बहुत मज़े का बनता है, और आप ये देख सकते हैं इसका जो मैंने मैशमैलोस बनाए हैं एग वाइट के साथ वो भी बिल्कुल परफेक्ट बने, हर एक चीज़ अच्छे से अपनी जगह पे स्टेबल है। यही एक होता है कि आप अपने वर्क को ना बहुत अच्छे से दिखाएं ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, तो तभी तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं हम तुम्हें बेकिंग किंग बोलते हैं, तो बस इसीलिए क्योंकि मेरे घर वाले के बाद जानते हैं मैं बेकिंग में मास्टर हूँ, तो अल्लाह बड़े भूल से बचाए। एक्चुअली मेरी नानी सऊदी अरब में बहुत माशाल्लाह शेफ़ थी, तो हमने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है, ये सब हमारी नानी का हम पे एहसान है कि बहुत कुछ हमें सिखा कर गई हैं, अल्लाह उनकी मगफ़िरत फरमाए आमीन। तो जस्ट जो भी मेरे पास है एक तालीम एक इल्म कहते हैं एक चीज़ मतलब क्या कहना चाहिए मुझे पता नहीं है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत से लोगों को बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट खाने का एक दिल होता है, तो मैंने कहा आपको से ये भी बनता है ना शेयर करना, आप लोग मेरी फैमिली हो यार, ऑफकोर्स क्यों नहीं आप लोग, तो कुछ भी। तो यहाँ पर मैं तो कर रही हूँ इसको मज़ेदार डिज़र्ट को इन्जॉय, आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को इन्जॉय किया, और छोटा सा एक ब्लॉग बनाया था कि आप लोगों से जिसको शेयर कर सकूँ। यहाँ मेरे डायलू सोने की तैयारी में, इस तरह मेरे हाथ पे सो जाता है। तो इसी के साथ मैं लूँगी आपसे अलविदा, आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा यार, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।